मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश ग्रामर। बेटे, एज यू नो, वी हैव कम्प्लीटेड 12 चैप्टर का हाफ पार्ट हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डू सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ चैप्टर 12। सो गेट रेडी क्विक, ओपन चैप्टर 12। सी बेटे, ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, वर्ब्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओके। और यहाँ तक हम लोग पेज नंबर 51 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने कहा था आपको कि आप पेज नंबर 52, 53 और 54 रीड आउट कर लेना। सो आप, आई होप आपने किया होगा। जिन्होंने किया है, आज खुद प्रूफ करके देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा, बेटर समझ में आया, यानी बेस्ट कह सकते हैं जिसे, या फिर मैम डेली समझाती है, बिना पढ़े जब आप समझते हो वैसे समझ आया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, एक एक वर्ड टू वर्ड अपन लोग रीड करेंगे। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसी सेंटेंस में। तो आई होप यू नो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में, क्योंकि हम पहले के चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। वर्ब, वर्ब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब क्या होती है, डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ड्स भी हम जिन्हें कह सकते हैं। अब देखो एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है बेटा जब कोई दो व्यक्ति मिलकर कोई एग्रीमेंट यानी कोई सहमति किसी एक बात पर जताते हैं। जैसे कि कोई हाउस हमने रेंट पे लिया, तो बिजली का बिल जो है ऐसा करते हैं, कोई लोग डिवाइड कर लेते कि हाफ आप पे करोगे और हाफ हम लोग पे करेंगे, तो वो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो दो व्यक्तियों की किसी एक बात पर सहमति जो होती है वो एग्रीमेंट होता है। लेकिन वहाँ, यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। क्या एग्रीमेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। रोहित इज़ डूइंग हिज होमवर्क। रोहित अपना वर्क कर रहा है। सी, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रोहित, गॉट इट। सब्जेक्ट रोहित है और वर्ब क्या है, इज डूइंग, जिसमें कि इज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, डूइंग आपकी मेन वर्ब होती है। ये मैं आपको पहले कई वीडियोस में और कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, क्या देखा आपने, रोहित। और पहले हम इन सब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर बताऊंगी क्या रूल है। शी इज वॉचिंग द गेम, सब्जेक्ट इज शी इज वॉचिंग वर्ब। दे आर डॉक्टर्स, तो सब्जेक्ट दे और वर्ब इज आर। अभी हम, मैंने कल बताया था पजेशन वर्ब क्या होती है, बीइंग वर्ब क्या होती है और एक्शन वर्ब क्या होते हैं, वो मैं लोग कल बता चुकी थी आप लोगों को। कल मीन्स प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, आर फ्लाइंग वर्ब, ओके बेटा। दे आर ईटिंग मैंगोज, तो दे सब्जेक्ट हो गया अपना, आर ईटिंग वर्ब हो गया, क्लियर। आई होप आपने सब्जेक्ट और वर्ब अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख लिया होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, ओके, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ईच इन अ सेंटेंस मस्ट मैच। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मैच करने चाहिए। अब आप कहोगे मैम मैच कैसे करने चाहिए ये तो बताओ, कोई बात नहीं है बताते हैं अभी। In a sentence, if the subject of a verb is singular, listen to me very, very carefully. अगर किसी भी sentence में subject singular है, clear? Singular, plural पता है ना? नहीं पता तो previous videos आप लोग देख लीजिए, मैंने उनमें बताया है कि singular और plural क्या होता है, ठीक है। तो subject अगर singular है, then the verb should be singular. क्या agreement रहा subject और verb के बीच में, subject और verb का agreement रहा बेटा, अगर subject singular है तो verb भी singular होगी, got it? For an example we can understood, woman
इज बाइंग क्लोथ्स, विमन सिंगुलर है, इज बाइंग सिंगुलर है क्लोथ्स, ठीक है, औरत कपड़े खरीद रही है. नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट, इफ एनी वर्ब ऑफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर. किसी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. क्लियर. इन अ सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लूरल, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है देन द वर्ब शुड बी प्लूरल. तो वर्ब कैसी होगी बेटा, प्लूरल होगी. तो डिपेंड करता है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ये हमने रीड कर लिया, उसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है. पहले हम देखेंगे कि अपना सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. गॉट इट, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एग्जाम्पल से वी कैन टेक अ एग्जाम्पल, विमन आर बाइंग क्लोथ्स. तो यहाँ हमने वुमन यूज़ किया था या विमन यूज़ किया है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, इट इज़ आर बाइंग और इज बाइंग, इट इज़ सिंगुलर एंड इट इज़ प्लूरल. गॉट इट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, ये हमें याद रखना है, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट मैच, मैच ही करने चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ओके, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बता चुकी हूँ मैं. विद यू एंड वी द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, वी और यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी क्योंकि ये दोनों ही प्लूरल हैं, वी और यू हमेशा प्लूरल होते हैं. एक्सरसाइज करते हैं, फाइंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो, राइट देम इन द करेक्ट प्लेस, करेक्ट स्पेस गिवन बिलो. ये देखो आपको सब्जेक्ट यहाँ लिखना है और वर्ब यहाँ लिखनी है. ओके, आई विल ओनली अंडरलाइन, मैं अंडरलाइन कर लूँगी, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इट इज़ योर होमवर्क. तो अकबर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इज जॉइनिंग, मैं वर्ब को सर्कल कर रही हूँ, आप सर्कल वाली वर्ब, सर्कल जो है वो वर्ब लिखेंगे, इट इज़ सब्जेक्ट और इट इज़ वर्ब, ठीक है. द विंडो सब्जेक्ट, द विंडो पेन, इट इज़ सब्जेक्ट एंड इट इज़ वर्ब. बेटा सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एक ही वर्ड नहीं होता, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि सब्जेक्ट केवल एक वर्ड का होता है. सब्जेक्ट मोर देन वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, मोर देन वन टू वर्ड्स भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. कई बार ऐसा होता है किसी सेंटेंस में कि पूरा जो सेंटेंस है उसमें पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है, ओनली वर्ब होती है उसमें इज या वॉज या फिर एक ही वर्ड की वर्ब होती है. सो ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए. द आर्टिस्ट पेंटेड इट टुडे, तो द आर्टिस्ट सब्जेक्ट, इट इज वर्ब. शी सब्जेक्ट बेक्स वर्ब. आई सब्जेक्ट वेंट वर्ब. शी सब्जेक्ट वॉचेस वर्ब. ही सब्जेक्ट प्लेस वर्ब. फादर सब्जेक्ट गोज वर्ब. यू विल राइट डाउन सब्जेक्ट हियर एंड वर्ब हियर. अब आप एक चीज़ अभी देख लीजिए, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है. क्लियर. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 53, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. शी बेक्स अ पाई और शी बेक्स. हियर द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब बेक्स. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए बेक्स के बाद आपको ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आपको बेक्स के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ. तो देखिए व्हाट इज दिस, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. जिन वर्ब के बाद सेंटेंस सॉरी ऑब्जेक्ट होता है वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंड सेंटेंस हैज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब बेक्स, इट इज़ एन इंट्रांजिटिव.
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिन वर्ब्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सर्कल द ट्रांजिटिव वर्ब एंड अंडरलाइन द इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट डाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट लिखना है ट्रांजिटिव वर्ब का, और इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। चलो करते हैं, शी किक्स द फुटबॉल हार्ड। तो बेटा ये जो वर्ब है क्या करना है अपन को, अंडरलाइन करना है ट्रांजिटिव वर्ब को। ठीक है, सॉरी, सर्कल करना है ट्रांजिटिव वर्ब को और अंडरलाइन करना है इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो देखो ये वर्ब जो है वो सर्कल करेंगे हम इसको, क्योंकि ये क्या है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द फुटबॉल। तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। द फुटबॉल ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। द लेडी ड्राइव्स वेल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के बाद जरूर आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द लेडी तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स क्या है बेटा, ओके बेटा, सो द लेडी ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स क्या हो गया भैया, बेटा ये वर्ब होगी इंट्रांजिटिव, तो अपन इंट्रांजिटिव को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज रनिंग, तो ही इंट्रांजिटिव वर्ब है तो अपन इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, दे ज्वाइन द ग्रुप, ये वर्ब बेटा ट्रांजिटिव है, अपन इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है द ग्रुप। गोविंद राइट्स अ ब्यूटीफुल पोयम, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अ ब्यूटीफुल पोयम। ओके, नेक्स्ट है ही इज रनिंग अ रेस, तो ही इज रनिंग अ रेस ये वर्ब है बेटा आपकी ट्रांजिटिव, तो अपन अ रेस जो है वो ऑब्जेक्ट है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ब्स टू मेक देम एग्री विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ वर्ब दी हुई है, हमें इनको एग्री करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आउट द सब्जेक्ट, हम सबसे पहले सब्जेक्ट चेकआउट करेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही अब हम वर्ब यूज़ करेंगे। द क्यून, क्यून मिरर है या क्यून के पास मिरर है, तो हैज़ फर्स्ट में हैज आएगा, यू विल राइट डाउन हियर। ही इज इंटेलिजेंट, अमृता अ ब्यूटीफुल नोटबुक, अमृता हैज। दे इम्पोर्टेंट टू दियर पेरेंट्स, दे आर इम्पोर्टेंट टू दियर पेरेंट्स। द बटरफ्लाइज प्लूरल है, वर सिटिंग ऑन द फ्लावर्स, आई आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, आई को प्लूरल कंसीडर, तो आई वॉन्ट एन आइसक्रीम। यू अभी बताया था मैंने, यू और वी हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यू आर फ्री टू लीव। आई एंड रवि ये प्लूरल हो गया बेटा, आर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है ये अपनी, सम सेंटेंस हैव बीन रिटन विद रॉन्ग वर्ब्स, इनमें से कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें आपको रॉन्ग वर्ब दी हुई है, फाइंड दैम एंड करेक्ट दैम, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट पुट अ टिक ऑन गिवन प्लेस। अगर सेंटेंस सही है तो यहाँ अपन राइट टिक कर देंगे, ठीक है, और अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो अपन उसमें करेक्शन करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो देखो द स्टूडेंट वर गिवन द टेस्ट, बेटा सिंगुलर है और वर्ब यहाँ प्लूरल की लगाई हुई है, तो ये द स्टूडेंट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल की, तो वर नहीं आएगा यहाँ पर, वॉज आएगा। यू विल राइट दिस सेंटेंस हियर, हैज़ यू कंप्लीटेड द वर्क, तो हैज़ यू नहीं आएगा, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्लियर। आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, सी प्ले, ये सी शी जो है वो सिंगुलर है,
और ये यहाँ पर प्लेज आएगा, पी एल ए वाई एस. वर्ब शुड बी सिंगुलर विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. क्लियर? डिड यू विशेज हर, रॉन्ग है, डिड यू विश हर, क्योंकि यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी. वॉट आर द टाइम, नो, वॉट इज द टाइम. शी ट्रिम हर हेयर, नो, सिंगुलर है तो ट्रिम्स आएगा, टी आर आई एम एस. शी ट्रिम्स हर हेयर. ही हैव डन हिज वर्क, नो, ही हैज डन हिज वर्क. ओके बेटे, सो आर चैप्टर 12 इज कंप्लीट. आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्या करना है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था, आप ये वर्ब की जो पॉइंट्स हैं वो लोग ये लिख लोगे. ये वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग, वर्ब्स दैट डिनोट एक्शन, वर्ब्स दैट डिनोट पजेशन, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे. एंड यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. ये जो एक्सरसाइज आपको दी है यहाँ HW लिख लीजिए, आप ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे बेटा. ठीक है, क्लियर? ये भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सको कि वर्ब्स क्या होती हैं. क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.